श्री कृष्ण संध्या जी, जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? कितना महत्वपूर्ण है ये इंसानों के लिए, मनुष्य जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पर्व? जय जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। लोग पूछते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कृष्ण का जन्म कब हुआ। कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ, जो नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वो कंस के कारागार में हुआ। अब देवकी मैया डरने लग गई कि कंस आएगा और सुबह होते ही सैनिक बता देंगे तो वो इस बच्चे को भी मार देगा। अब वो रात में सोचने लगे कि करे क्या करे क्या। तब उन्होंने देखा कि कान्हा के पैर में एक कोई ज्योति प्रज्वलित हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इस बालक को बाहर जाना चाहिए, कैसे भी करके इस बालक को बाहर जाना चाहिए, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जब वासुदेव ने कहा कि पर मैं इन बेड़ियों को तोड़ के कैसे निकलूं, लेकिन देखा तो सारे सैनिक अपने आप ही बेहोश हो गए, सब मूर्छित होकर गिर पड़े और सारे दरवाजे लॉक ये सब कुछ अपने आप खुलता हुआ चला गया। जब निकले वहां से तो बाहर यमुना जी थी। अब यमुना जी थी तो यमुना जी ने कंस के यमुना जी ने अपना एक रूप ऐसा धारण किया कि मतलब जो उनका भाव था वो बहुत ही तेज था। वासुदेव बहुत डर गए, उन्होंने बोला इनका इतना तेज भाव है, मैं कैसे यमुना पार करके अपने लल्ला को बाहर छोड़ के आऊंगा। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जब उनके पानी यहाँ तक आ गया तब भी वो चलते रहे, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, क्यों आ गया। उन्होंने टोकरी में कृष्ण को बिठाया हुआ था। जब यमुना मैया ने उनके चरण स्पर्श कर लिए और तो एकदम से भाव नीचे गिर गया। तो इसी तरह बलराम ने पीछे छतरी सी बन के उनके ऊपर से बारिश रोकी और जाके वो आसपास उन्होंने देखा कि ये तो गोकुल धाम है, यहाँ तो मेरे एक मित्र रहता है नंद बाबा, मैं ये पुत्र उसको नंद बाबा को सौंप देता हूँ, वो मेरे बालक को अपने बालक की तरह अच्छी तरह रखेगा। जैसे ही उन्होंने देखा वो गए। जब वो वहां पहुंचे तो एकदम ऐसे लगा कि जैसे सृष्टि रुक गई है, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो गए, ये पता चलने से पहले कि यशोदा को पुत्री हुई है, तो सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो गए। अब वासुदेव जी ने वहां से पुत्री को उठाया और अपने पुत्र को पालने में डाल दिया और लेके चल दिए। अब जब चल दिए तो जैसे ही सबकी मूर्छा टूट पड़ी और सब लोग कहने लगे कि नंद बाबा को बधाई हो बधाई हो, लल्ला हुआ है, बड़ा प्यारा सा बड़ा मनमोहक लल्ला हुआ है। अब वासुदेव पहुंच गए कारागार। अब कंस आया, कंस बहुत क्रोधित में। कंस ने पूछा कि आठवा ये तो लड़की है, लड़की कैसी हो सकती है? तो वो लड़की कौन थी? योग माया। योग माया बोली, एकदम से प्रकट होके बोली कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, अब तू अपने अंत की तैयारी कर ले, तू अपने तेरे अंत से जितना तेरा घड़ा भर जाएगा तेरा उसी दिन अंत हो जाएगा। तो इसी दिवस पर बहुत ही धूमधाम से कन्हैया जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और जब उनका जन्मदिन मनता है तो कैसे मनता है, उसमें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाया जाता है और पंचामृत हर चीज से नहलाया जाता है कि पूरे गोकुल में, पूरे बरसाने वृंदावन, कहीं पे भी ऐसा जन्मोत्सव किसी का नहीं हुआ जैसा कृष्ण भगवान का हुआ। तो इसी तरह ये एक छोटी सी कथा है कि जो जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे कि कृष्ण का जन्म कैसे और कब हुआ और कौन से नक्षत्र तिथि में हुआ। जय जय श्री राधे।